हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल CSE ऑल जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम राजस्थान में जो है सफाई कर्मचारी के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, यह इसका ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। तो उसके जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे आप अपना फॉर्म को अप्लाई एंड ऑनलाइन करेंगे। दोस्तों, सफाई कर्मचारी का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो को पूरा देखना। देख सकते हैं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023, तो फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, सारा कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहे वीडियो में, वीडियो को पूरा वॉच करना जब भी आपको पता चल पाए। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लिए और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। और दोस्तों, जितना हो सके अपने भाई को सपोर्ट दिखाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अगर वीडियो आपको पसंद आए। दोस्तों, तो चलते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे आप सफाई कर्मचारी का फॉर्म अप्लाई एंड ऑनलाइन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको सरकारी एग्जाम डॉट कॉम पर आना है, इस वाले भी वेबसाइट पर सरकारी एग्जाम डॉट कॉम, ये इसका दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है। ये कोई फैक्ट वो नहीं है, ये बिल्कुल जैनमन जो है साइड है गवर्नमेंट की। सबसे पहले इसी पर आता है, बाकी उसके बाद सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पर जाती है। यहाँ से होने के बाद तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर जनरल OBC एंड EBC क्लेम ले रहे हैं तो ₹600 फीस है। अगर आप जनरल OBC EBC नॉन क्लेम ले रहे हैं तो ₹400 फीस है। अगर आप SC ST या PH है विकलांग राजस्थान के तो ₹400 फीस है। 16 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं और 4 नवंबर तक आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें इसकी वैकेंसी की, तो 24,797 वैकेंसी आपकी निकाली गई है टोटल। काफ़ी अच्छी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, 24,797 वैकेंसी आपकी टोटल देख सकते हैं। 18 साल से 40 साल की उम्र मांगी गई है आपसे, और एक जनवरी 2024 के हिसाब से आपकी काउंटिंग होगी डेट ऑफ बर्थ। आपकी जो ये पोस्ट है ओनली राजस्थान कैंडिडेट के लिए है, राजस्थान वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओनली राजस्थान वालों के लिए है ये फॉर्म। अब दोस्तों, कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी पोस्ट नेम आपकी सफाई कर्मचारी है, बाकी यहाँ पे सब जिले में अलग अलग यहाँ पे निकाली गई है। जैसे जयपुर ग्रेटर यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे इतनी है, सबकी वैकेंसी दोस्तों अलग अलग यहाँ पे दे रखी है, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग आपकी निकाली गई है, अलग अलग आपकी दे रखी है। अब दोस्तों, कैसे अप्लाई ऑनलाइन करना है इसका फॉर्म आप समझिएगा। आप तो यहाँ पे नीचे आना है आपको, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई ऑनलाइन, आपको क्या करना है इस पर क्लिक एयर पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे आप क्लिक कर देंगे, क्लिक एयर पे, आपके सामने इस तरह का कुछ पोर्टल यहाँ पर खुल जाएगा। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं तो यहाँ पर आपको लॉगिन करके अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन होना है। अगर आप पहली बार अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन का, आपको क्या करना है रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना। आप क्लिक करने के बाद दोस्तों दो ऑप्शन आपके पास आए हैं, सबसे पहला आपका जन आधार कार्ड है और दूसरा आपका यहाँ पर गूगल दे रखा है। अगर आप यहाँ पर गूगल से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर गूगल पर जैसे आप क्लिक करोगे, जहाँ पर भी आपकी जीमेल आईडी ओपन हो रही होगी वहाँ पर ये ले जाएगा। और जियोन से भी आपको जीमेल आईडी इससे कनेक्ट करनी है, उस जीमेल आईडी से आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और नहीं तो आप जन आधार कार्ड से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिससे भी आपको ठीक लगे उससे आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको क्या करना है लॉगिन पर क्लिक कर देना है। होने के बाद दोस्तों आपको अपना आईडी एंड पासवर्ड आप यहां पर डालेगा, उसके बाद ये कैप्चर आप यहां पर डालेंगे और यहां पे एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन का, आपको लॉगिन कर देना है। अगर आप अपना आईडी
अपनी आईडी भूल चुके हैं तो आपको फॉरगेट माई डिजिटल एसएससी आईडी यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे फर्स्ट वाले पे, अपनी आईडी यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आई फॉरगेट माई पासवर्ड, फॉरगेट अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगेट करके अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लॉगिन करेंगे आप, और दोस्तों लॉगिन करने बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आएगा रिकमेंड पोर्टल का। यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं रिकमेंड पोर्टल स्टिक टू, तो आपको क्या करना है पहले वाले पर क्या करना है क्लिक करना है आपको रिकमेंड, इस वाले ऑप्शन पर रिकमेंड पोर्टल पर। ठीक है दोस्तों, रिकमेंड पोर्टल पर आपको क्या करना है क्लिक कर देना है। अगर आपको अपडेट करना है अपनी प्रोफाइल में तो आप यहाँ पर जाएंगे इस पेलसिंग के ऑप्शन पर, और पेलसिंग के ऑप्शन पर जाने बाद अपनी यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं जो भी आपको अपडेट करना है। ठीक है दोस्तों, अपडेट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अपडेट का, यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं जो भी आपको अपडेट करना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको रिकमेंड पोर्टल पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अगर आप फर्स्ट बार यूजर फॉर्म भर रहे हैं इसमें, अगर आप पहली बार यूजर फॉर्म भर रहे हैं राजस्थान के पोर्टल में, तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको पेमेंट कहाँ से करनी है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है, और वहाँ पे आप जो है आपके जो आधार कार्ड से नंबर लिंक है उस पर OTP वगैरह जाएगा, पेमेंट आप कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, पेमेंट करने के बाद पेमेंट आप फोन पे, गूगल पे, डेबिट कार्ड जिससे भी आप करना चाहते हो उससे आप कर लीजिए, और जब आपकी पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी तो पेमेंट एक ही बार होगी आपकी, सिर्फ पेमेंट एक ही बार आपकी कटेगी, एक ही बार आपको पेमेंट अपनी काटनी है, दो बार पेमेंट नहीं काटनी है। ठीक है दोस्तों, एक ही बार आपकी पेमेंट कटेगी, दो बार पेमेंट नहीं कटेगी। उसके बाद आपके सामने यहाँ एक ऑप्शन आएगा सफर कर्मचारी के नाम से आपका यहाँ पे आएगा, कि यहाँ पे मेरे पे दोस्तों यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है तो दोस्तों जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे यहाँ पे, जब आपकी सफाई कर्मचारी का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिलेंगे समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पे चार ऑप्शन में आपको मिलेंगे। सबसे पहले बेसिक डिटेल का, दूसरा आपका पर्सनल डिटेल का, तीसरा आपका क्वालिफिकेशन का, चौथा आपका आइडेंटिटी मार्क का, और पांचवा आपका फाइनल सबमिट का। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको चार स्टेप बनने हैं और अपना सफाई कर्मचारी का फॉर्म कंप्लीट करना है दोस्तों। मैं आपको फॉर्म आगे का प्रोसेस बताने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे उसका फॉर्म का जो है यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा वो ऑप्शन नहीं आ रहा है सर सफाई कर्मचारी वाला, नहीं तो मैं आपको उसका फॉर्म को अप्लाई करके ज़रूर दिखाता दोस्तों। बाकी मैंने आपको जानकारी दे दी है कि फॉर्म और स्टार्ट हो चुका है राजस्थान सफाई कर्मचारी के, तो आप फॉर्म भर लीजिए। ठीक है दोस्तों, बाकी कुछ पूछना हो वीडियो के बारे में तो पूछ लेना, बाकी आपको टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए अपने भाई को सपोर्ट दिखाइए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।